हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले आज 26 जनवरी 2022 है, आज ही के दिन मैं अपने वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैं आप सब लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देना चाहता हूँ। और आज के दिन हम लोग अपने राष्ट्रीय आंदोलन को याद करते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में जिन लोगों की बड़ी अहम भूमिका रही है उनको भी याद करने का समय है। और राष्ट्रीय आंदोलन के जो विभिन्न पड़ाव रहे हैं, विभिन्न एपिसोड्स रहे हैं, इन सब की चर्चा बड़ी आवश्यक हो जाती है। और मैं अपने चैनल के माध्यम से यही प्रयास कर रहा हूँ कि ऐसे जाने वैसे अनजाने जो एक्टर्स रहे हैं राष्ट्रीय आंदोलन के, उनके विषय में चर्चा की जाए। कुछ ऐसे एपिसोड्स जिनके बारे में शायद बहुत कुछ नहीं जानकारी है, कम लिखा गया है, उसको संज्ञान में लाया जाए, उसको प्रकाशित किया जाए। तो चलिए, आज जो जिस विषय पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और यह विषय, यह जो टॉपिक है मेरा इस वीडियो का, यह है गया हिंदू महासभा अधिवेशन दिसंबर 1922, जगत नारायण लाल की जेल डायरी से। तो आप जैसा कि आप जानते हैं कि दिसंबर 1922 में, पिछले वीडियो में मैंने गया कांग्रेस के विषय में चर्चा की थी, और 26 दिसंबर 1922 से 1 जनवरी 1923 के बीच में गया कांग्रेस का आयोजन किया गया था। गया कांग्रेस भी बड़ा महत्वपूर्ण था। यहीं गया कांग्रेस में विभाजन हुआ, फिर स्वराज पार्टी का जन्म हुआ, जिसके अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास रहे और सचिव मोतीलाल नेहरू थे। तो एक चीज़ और जानकारी में देना चाहूँगा कि जिस इस समय जो कांग्रेस का जहाँ अधिवेशन होता था, तो कई और संगठनों का भी अधिवेशन हुआ करता था, ये आम बात थी। तो मुस्लिम लीग का भी अधिवेशन होता था, इसी प्रकार से हिंदू महासभा का भी अधिवेशन था, और भी कई संगठनों का अधिवेशन हुआ करता था। तो गया में, गया कांग्रेस के अधिवेशन के समय में हिंदू महासभा का भी अधिवेशन आयोजित किया गया था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो पंडित मोतीलाल नेहरू थे, और स्वागत समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो यह जो गया हिंदू महासभा अधिवेशन है, बड़ा महत्वपूर्ण अधिवेशन है। तो क्यों है महत्वपूर्ण है? यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसी हिंदू महासभा अधिवेशन में हिंदू महासभा की एक संगठनात्मक नींव रखी गई, और इसे एक अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान किया गया। हिंदू महासभा के इतिहास के विषय में आपको बता दें कि 1915 ईस्वी में हरिद्वार में कुंभ मेला के समय में पहला इसका सेशन आयोजित किया गया था, और इसके पहले जो सचिव थे पंडित देवरत्न मिश्र थे। परंतु संगठित वे में यह नहीं चल रहा था, इट वॉज नॉट वेरी रिप्रेजेंटेटिव, और एक तरह से समझ लीजिए कि प्रांतीय स्तर पर ही हिंदू महासभा के विभिन्न शाखाएं थीं, महाराष्ट्र में, बिहार में, उत्तर प्रदेश इत्यादि में। तो हिंदू महासभा का ये जो अधिवेशन जो है, इसमें संगठन की बात की गई है, हिंदूज के में एकता की बात की गई है, मोबिलाइजेशन की बात की गई है ना। तो ये जो स्रोत है, आखिर मैंने कहाँ से लिया है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो जगत नारायण लाल की जेल डायरी, जगत नारायण लाल की डायरी से इसके विषय में मैंने जानकारी प्राप्त की है। तो जगत नारायण लाल आखिर कौन थे? तो मैं आपको ये बता दूं कि वो बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन के बड़े प्रोमिनेंट लीडर थे। ही वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ही वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द हिंदू महासभा। 1926 ईस्वी में कलकत्ता में वो हिंदू महासभा, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के जनरल सेक्रेटरी बने, और इसी अधिवेशन में लाला लाजपत राय हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। तो एक चीज़ आपको और जानना चाहिए कि उन जिस वर्ष की मैं बात कर रहा हूँ, और वहाँ से लेकर लगभग 1937 ईस्वी तक हिंदू महासभा और कांग्रेस में के में एक ड्यूअल मेंबरशिप था, या इवन मुस्लिम लीग में भी है ना। तो जो लोग हिंदू महासभा के सदस्य थे वो कांग्रेस के भी सदस्य बन सकते थे, इसी प्रकार से कांग्रेस के सदस्य हिंदू महासभा के भी सदस्य होते थे, मुस्लिम लीग के भी सदस्य जो होते थे वो कांग्रेस के सदस्य हो सकते थे,
और जो कांग्रेस के सदस्य थे वो मुस्लिम लीग के भी सदस्य होते थे, लेकिन 1937 में इसको ये समाप्त हुआ। तो जगत नारायण लाल हिंदू महासभा के भी जनरल सेक्रेटरी रहे और कांग्रेस के बड़े प्रोमिनेंट लीडर थे, और पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में लगभग 8 वर्ष ये जेल में रहे। मैं यहाँ पर एक व्यक्तिगत बात भी आपसे चर्चा करना चाहूँगा, शायद आप जानते भी होंगे कि जब मैं जगत नारायण लाल के विषय में बात करता हूँ तो थोड़ा मेरे लिए एक व्यक्तिगत और इमोशनल भी हो जाता है, क्योंकि मेरे अपने नाना भी थे। तो खैर वो तो बात अलग है। बेसिकली इतिहास में उनका बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में बड़ी अहम भूमिका उनकी रही है। और यहाँ पे मैं एक बात और करना चाहूँगा कि राष्ट्रीय आंदोलन को अभी तक हमने जो समझने का जो प्रयास किया है या जो समझाया गया है वो सिर्फ सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म के बाइनरीज में ही रख कर देखने की बात कही गई है, और शायद इसीलिए राष्ट्रीय आंदोलन जो हमारा इतना कॉम्प्लेक्स और डायनामिक रहा है उसके वास्तविक स्वरूप को हम नहीं समझ पाए हैं। तो राष्ट्रीय आंदोलन के जो एक्टर्स हैं उनके उनमें राष्ट्र के प्रति जो उनका समर्पण है, एक जो राष्ट्रीय लक्ष्य है स्वतंत्रता के प्रति, उसके अतिरिक्त सेंसिबिलिटीज भी है, कम्युनिटी के प्रति भी है। तो बिना इन सब चीज़ों को देखे हुए आप राष्ट्रीय आंदोलन के कॉन्ट्राडिक्शंस को नहीं समझ सकते हैं। और यह भी जो अभी तक जो चला रहा है कि एकदम दो कंपार्टमेंट्स हैं, वन कंपार्टमेंट रिप्रेजेंट्स कम्युनलिज्म, द अदर कंपार्टमेंट रिप्रेजेंट्स सेकुलरिज्म, कुछ लोगों को आप कम्युनल कंपार्टमेंट में डाल दीजिए, कुछ लोगों को आप सेकुलर का, तो ये सही नहीं है, इजंट इट? तो क्योंकि ये इसलिए सही नहीं है कि बाकी जो कुछ कंसर्न्स हैं जैसे कम्युनिटी के, जैसे जगत नारायण लाल कंसर्न्स हिंदू कम्युनिटी के लिए थे, हिंदूवादी थे, तो बट डजंट मीन इन एनी वे कि दैट ही वॉज कम्युनल। अगर हम उस बाइनरी से इतफाक नहीं रखें तो फिर हमको एक अंडरस्टैंड करने के लिए ये एक के स्कोप को, राष्ट्रीय आंदोलन के स्कोप को वाइडन करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जो जगत नारायण लाल की कहानी है वो राष्ट्रीय आंदोलन की भी कहानी है। और कहाँ से हमको इनके विषय में जानकारी मिलती है? हमको इनके विषय में जानकारी इनके प्राइवेट पेपर्स हैं नेहरू मेमोरियल और म्यूजियम लाइब्रेरी में, इनकी ऑटोबायोग्राफी है लाइट एंड टू असल जिसको कि मैंने एडिट किया है, और अभी हाल में एक और किताब आई है कंपीटिंग नेशनलिज्म्स जो इनकी बायोग्राफी लिखी गई है, वो भी उससे भी इनके विषय में जानकारी मिलती है। और अभी वर्तमान समय में ICHR से प्राप्त एक प्रोजेक्ट भी इन पर कर रहा हूँ। तो खैर चलिए, हिंदू महासभा के इस अधिवेशन के विषय में मैं और आपको जानकारी प्रदान करता हूँ। देखिए, हिंदू महासभा का यह जो अधिवेशन जो है, जो कि दिसंबर 1922 में 26 दिसंबर से 1 जनवरी 1923 के बीच में आयोजित किया गया, उसी पांडाल में जहाँ गया कांग्रेस में आयोजित हो रहा था, इसका बैकग्राउंड क्या है? इसका बैकग्राउंड मोपला कांड है मालाबार का, जहाँ कि हिंदुओं का बड़ा ही वी कैन से कि लॉट ऑफ एट्रोसिटीज वेर परपेट्रेटेड अपॉन द हिंदूज, अपॉन द हिंदू कम्युनिटी। देर कैन बी, मतलब अलग अलग तरीके से अलग अलग किताबों में विद्वानों ने इसको समझाने का प्रयास किया है, बट द नेट रिजल्ट इज कि हिंदूज वेर द विक्टिम्स ऑफ वर्स्ट यू नो वायलेंस। बहुत सारे लोगों को मारा गया, अनगिनत को कन्वर्जन किया गया, मास रेप इत्यादि। तो इसका हिंदू जनमानस तो बड़ा खराब, असर बड़ा आहत हुआ हिंदू जनमानस। असहयोग में हिंदुओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, खिलाफत का में चंदा दिया था, इसेंट इट? जबकि खिलाफत एक शुद्ध रूप से एक कम्युनिटी का धार्मिक मामला था, कोई सेकुलर मुद्दा तो यह था नहीं। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए कि वहाँ इस प्रकार के दंगे हुए जिसमें कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया गया, तो हिंदू जनमानस बड़ा आहत था। और कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम रिलेशंस पे एक बात भी थी, एक संगठन की बात भी हो रही थी कि आखिर हम कैसे अपने आप को डिफेंड करें। तो इसलिए हिंदू महासभा का ये अधिवेशन इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ संगठन की नींव रखी गई है हिंदू महासभा की, और हिंदू महासभा को एक अखिल भारतीय स्वरूप या स्तर प्रदान किया गया। इस अधिवेशन के, हिंदू महासभा के इस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू थे, और स्वागत समिति के अध्यक्ष देश रत्न राजेंद्र प्रसाद थे। जगत नारायण लाल इस समय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के भी सदस्य थे और प्रांतीय बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के ये असिस्टेंट सेक्रेटरी थे, और साथ ही साथ
हिंदू महासभा की सभा को आयोजित करने के लिए, गया अधिवेशन को आयोजित करने के लिए जिस कमिटी का निर्माण किया गया था, एक पंच सदस्यीय कमिटी बनी थी, उसके ये ही वॉज वन ऑफ द मेंबर्स। तो इनकी बड़ी अहम भूमिका गया कांग्रेस के आयोजन में भी था और हिंदू महासभा के भी आयोजन में था। तो चलिए अब हम हिंदू महासभा के इस अधिवेशन कैसे आयोजित हुआ, हम इसके विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, जगत नारायण लाल को पहली बार जेल टर्म मिला 1921 के नवंबर में, जब ये प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन पटना में हो रहा था, तो वहाँ इन्होंने इसका विरोध किया था कांग्रेस के तरफ से, तो इनको बक्सर जेल भेज दिया गया था, जहाँ 6 महीने का इनको कारावास दिया गया, जिसमें कि 2 महीने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी था, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ही वॉज अ ए क्लास पॉलिटिकल प्रिजनर। तो खैर नहीं, दैट इज़ एन अनदर स्टोरी। इनका रिलीज जुलाई 1922 में हुआ और उसके बाद फिर एक्टिवली ये गया कांग्रेस के आयोजन में लग जाते हैं। और इसी बीच हम लोग यह देखते हैं कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित की जा रही थी दिल्ली में, तो बिकॉज ही वॉज वन ऑफ द मेंबर्स तो ये भी दिल्ली गए। जब ये दिल्ली जा रहे थे तो रास्ते में उसी ट्रेन में एक जगन्नाथ बरहे जी करके एक सज्जन, जो कि महाराष्ट्र के बड़े सुसंस्कृत ब्राह्मण थे और जो कि गौ रक्षा आंदोलन से जुड़े हुए थे, वो भी दिल्ली जा रहे थे, वो भी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य थे। तो जगन्नाथ बरहे जी ने कहा कि देखिए, गौ रक्षा का जो मुद्दा है बड़ा अहम है और इस पर भी दिल्ली में चर्चा होनी चाहिए। तो जगत नारायण लाल लिखते हैं लाइट एंड टू द सेल अपनी ऑटोबायोग्राफी में कि इन्होंने कहा कि देखिए, गौ रक्षा तभी संभव है जबकि स्वराज की प्राप्ति होगी। तो खैर नहीं, जब ये लोग वहाँ पहुँचे दिल्ली, तो जगन्नाथ बरहे जी वहाँ धरने पर बैठ गए और उन्होंने कहा कि स्वराज के पहले गौ रक्षा पे चर्चा होना चाहिए, और उनका यह आरोप था कि कांग्रेस और महात्मा गांधी ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। तो जगत नारायण लाल ने कहा कि भाई, धरने पर जब बैठ गए तो उनको फोर्सिबली हटाया नहीं गया जगन्नाथ बरहे जी को, और एक सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं कि महात्मा गांधी नॉन वायलेंस डिड नॉट परमिट द फोर्सिबल एविक्शन ऑफ समबडी, तो दूसरे जगह जाके ये लोग सभा कर रहे थे। व्हेन ही वॉज रिटर्निंग बैक, जब ये वापस पटना आ रहे थे, तो फिर जगन्नाथ बरहे जी भी उसी ट्रेन से आ रहे थे, तो बरहे जी ने कहा कि देखिए, पूरी के जो शंकराचार्य हैं, भारती स्वामी भारती राम तीर्थ जी, वो पटना आ रहे हैं और पटना से नवंबर में जो हरिहर क्षेत्र हाजीपुर में जो मेला लगता है सोनपुर में, वहाँ जाएंगे, तो क्या आपके लिए संभव होगा कि पटना में आप उनका रिसेप्शन करें, उनका स्वागत करें। तो जगत नारायण लाल इसके लिए तैयार हो गए, और जगत नारायण लाल भी सोनपुर जाते थे क्योंकि वो बिहार प्रांतीय सेवा समिति के जनरल सेक्रेटरी थे 1917 से, तो हरिहर क्षेत्र जब मेला लगता था तो ये अपने कार्यकर्ताओं से जाकर वहाँ समाज सेवा करते थे। तो शंकराचार्य स्वामी भारती राम तीर्थ जी, जो कि पूरी के शंकराचार्य थे, पटना पहुँचे, और इनकी बड़ी ख्याति थी, इनको खिलाफती शंकराचार्य भी कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने कराची में अली ब्रदर्स के साथ ब्रिटिश सेना से भारतीयों के बॉयकॉट का भी इन्होंने भी फतवा दिया था। तो फतवा तो मतलब अपने हिसाब से फतवा दिया था, चाहे जो भी हो, तो 3 साल की सजा हो गई थी, बट ही वो ऑन बेल। तो पटना में स्वागत इनका किया गया, जगत नारायण लाल ने उसको मैनेज किया और काफ़ी भीड़ रही इनके भाषण को सुनने के लिए। तो फ्रॉम देयर ऑन द शंकराचार्य प्रोसीड्स टू हाजीपुर, जगत नारायण लाल भी वहाँ पर गए। तो जगत नारायण लाल को शंकराचार्य ने अपने कैंप में बुलाया और कहा कि देखिए, गौ रक्षा जो है, और शंकराचार्य वहाँ इसलिए गए थे कि वहाँ अखिल भारतीय गौ सेवा महामंडल एक संस्था बनी थी गौ रक्षा के लिए, उसका पहला अधिवेशन सोनपुर में होने वाला था, और जगन्नाथ बरहे जी भी बड़ा एक्टिवली इन्वॉल्व थे, क्योंकि सोनपुर में भी मेला क्षेत्र में भी गौहत्या की जाती थी, तो इन्होंने पिछले वर्ष यानी कि 1921 में वहाँ पे आमरण अनशन किया था, जिसके बाद यह बंद हुआ था। तो शंकराचार्य ने जगत नारायण लाल को बुलवाया, जगत नारायण लाल जी को बुलवाया अपने कैंप में और बताया कि देखिए, गौ रक्षा एक बड़ा अहम मुद्दा है। तीनों का इन्होंने कहा कि देखिए, जब तक हिंदू संगठित नहीं होंगे तो गौ रक्षा नहीं हो सकता है, और साथ में स्वराज के प्रश्न से भी उसको जोड़ना होगा। तो शंकराचार्य ने कहा कि मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ और मैं चाहता हूँ कि हिंदू महासभा का जो आगामी अधिवेशन है, कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला है 1922 दिसंबर में,
तो साथ में आप लोग इसको आयोजित करवाइए। और उनका कहना है कि हिंदू महासभा अभी तक जो है एक अनरिप्रेजेंटेटिव बॉडी है और सिर्फ प्रेयर और पिटीशन पर ही आधारित है। प्रांतीय गवर्नर्स और गवर्नर जनरल को ये लोग प्रेयर्स पिटीशंस देते हैं, कुछ खास नहीं हो पा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि एक रिप्रेजेंटेटिव अधिवेशन का आयोजन किया जाए, तो गया में आयोजित करिए। तो एक पंच सदस्यीय कमेटी बना दी शंकराचार्य ने, जिसके अध्यक्ष बाबू माधव सिंह हुए छपरा के, तो जगत नारायण ऑल्सो बिकेम वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट कमिटी। उसके बाद शंकराचार्य वहाँ से कलकत्ता चले गए और उनको आना था, ये टू कम बैक गया कांग्रेस के समय में, लेकिन इसी बीच में वो मुंगेर गए और मुंगेर में उन्होंने धार्मिक स्वराज पर एक भाषण दे दिया, जिसके आरोप में वो करा दिया गया कि ये भाषण जो है सेडिशियस है, और शंकराचार्य को अरेस्ट कर लिया गया। तो अब कमिटी के सामने बड़ी दुविधा हो गई कि यह जो अधिवेशन गया, हिंदू महासभा का जो अधिवेशन जो बुलाया जा रहा है, तो यह अधिवेशन कैसे हो, शंकराचार्य तो अरेस्ट हो गए हैं। लेकिन बट स्टिल द कमिटी डिसाइडेड कि कम वॉट में यह अधिवेशन, किसी भी केस में इस अधिवेशन का आयोजन किया जाएगा। जगत नारायण अपनी डायरी में लिखते हैं कि एक पटना में एक रिसेप्शन कमेटी का ऑफिस खोला गया हिंदू महासभा का। रिसेप्शन कमेटी इसलिए बनाई जाती है कि सेशन के लिए मेंबर्स का रजिस्ट्रेशन किया जाए। वो नोट करते हैं कि बड़ा दुख हुआ यह देख के कि जो हिंदू मेंबर्स कांग्रेस के, जो कि सहर्ष खिलाफत कमेटी, खिलाफत की सभा भी आयोजित हो रही थी, तो उसके सदस्य सहर्ष बनने के लिए तैयार रहते थे, हिंदू महासभा अधिवेशन का सदस्य बनने से कतराते थे, एक रिलक्टेंट थे। हालांकि इसमें फिर वो लिखते हैं कि जब राजेंद्र बाबू रिसेप्शन कमेटी का के चेयरमैन बन गए, तो यह हिचकिचाहट खत्म हो गई। अपने डायरी में एक चीज़ और का वो वर्णन करते हैं कि हिंदू महासभा को पंडाल में जगह देने में कांग्रेस के तरफ से एक रिलक्टेंस था, कोशिश किया जा रहा था कि हिंदू महासभा के अधिवेशन के लिए जगह नहीं दी जाए। तो ही राइट्स इन डायरीज की, लेकिन रिफ्यूज़ करना शायद कांग्रेस के लिए संभव नहीं था, क्योंकि कांग्रेस के दिग्गज नेता मुस्लिम लीग के भी सदस्य, खिलाफत कमेटी के भी सदस्य होते थे और वो हिंदू महासभा के भी सदस्य होते थे। फॉर एग्जांपल आप देखिए, राजेंद्र बाबू रिसेप्शन कमेटी के चेयरमैन बने हुए थे। तो बट देर वॉज एन अटेम्प्ट कि इसको बाधित किया जाए, थोड़ा सा ऑब्स्टेकल्स था। तो हालांकि ये भी लिखते हैं अपने डायरी में कि जो हिंदू महासभा तो उस समय एक पॉलिटिकल बॉडी भी नहीं थी, और उसके इस सभा में मैंडेट में था कि किसी पार्टी के प्रति वो बायस नहीं रहेगी। राजेंद्र बाबू जो रिसेप्शन कमेटी के चेयरमैन है, तो अपनी आत्मकथा में भी उन्होंने डिफेंड किया है कि हिंदू महासभा वॉज नॉट द कम्युनल बॉडी विच इट इज बींग परसीव्ड टूडे। तो मतलब एक उनको डिफेंड भी करना पड़ा। तो खैर 1922 की बात है, जैसा कि मैंने ये कहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन को सिर्फ दो बाइनरीज में कन्वीनियंटली जो समझने का प्रयास किया गया वो सही नहीं है, कम्युनलिज्म एंड सेकुलरिज्म। इसमें बहुत सारी बातें जो हैं वो अनछुई रह जाती हैं, और इसीलिए राष्ट्रीय आंदोलन के बाद भी जो राष्ट्र निर्माण है तो उसमें कंट्राडिक्शंस आज तक है, ये ऐसा मेरा मानना है। तो रिसेप्शन कमेटी खुला, का ऑफिस खुल गया, राजेंद्र बाबू उसके चेयरमैन बन गए, तैयारी होने लगी। फिर तो ये हुआ कि भाई अध्यक्ष इसको बनाया जाए, तो ये हुआ कमेटी की तरफ से कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी को अध्यक्ष बनाया जाए। तो राजेंद्र बाबू ने टेलीग्राम किया मालवीय जी को, अब मालवीय जी सहर्ष तैयार हो गए, है ना। और मालवीय जी के साथ जगत राय लाल का संबंध BHU के समय से था, जिस समय इलाहाबाद में वो छात्र थे, और उस समय जब क्रिश्चियन इविंग कॉलेज आबाद में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे, तो उन्होंने इसके लिए भी काफ़ी चंदा एकत्र किया था। और जब उद्घाटन हुआ था BHU का, तो इनको भी पंडाल पर बुलाया गया था, जो कि अपने संस्मरण में वो लिखते हैं कि स्टेज पर बुलाया गया जबकि मोतीलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल सरोजिनी नायडू, ये सब लोग वहाँ पर थे। तो खैर एनीवे, हम लोग देखते हैं कि बाद में पंडित मदन मोहन मालवीय इनके मेंटोर भी रहे। जगत राय लाल के मेंटोर्स में पंडित मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, डॉक्टर BS मुंजे, ये सब जो नेता गंगन थे, ये सब थे। तो मालवीय जी तैयार हो गए, और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हिंदू महासभा का सभा हुआ। कांग्रेस के भी बहुत सारे सदस्य इन्होंने इसमें भाग लिया। लिखते हैं जगत बाबू कि राजेंद्र बाबू ने बड़ा खूबसूरत और छोटा सा भाषण दिया, और मालवीय जी ने बड़ा एक इमोशनल भाषण दिया, और उन्होंने कहा कि देखिए हिंदूज आर डीजेनरेट एज नेवर बिफोर,
ये कभी भी इस तरह से इतने कमजोर और संगठित नहीं है जैसा कि आज है। और उन्होंने कहा कि देखिए, हिंदू मुस्लिम यूनिटी इज पॉसिबल इन इंडिया, लेकिन यह तभी पॉसिबल है अगर दोनों कम्युनिटी इतने मजबूत हों कि एक दूसरे पे अनजस्ट अटैक कोई ना करे, एक अन्यायपूर्ण गतिविधि को एक दूसरे के खिलाफ नहीं करे। तो उन्होंने कहा कि हिंदुओं को संगठित होने की आवश्यकता है, और संगठन और स्वराज की बात कही गई गया अधिवेशन में। गया अधिवेशन के विषय में मैं आपको यह एक चीज और बताऊं कि इसके जो सचिव थे पंडित देवरत्न मिश्र, ये अपना खाता बही लेके पहुंचे अपने रिकॉर्ड्स को लेकर, और उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि गया अधिवेशन जो है एक एनुअल सेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्यों को आमंत्रित नहीं किया गया है और बाकी सदस्यों को भी निमंत्रण नहीं दिया गया है। तो जगत बाबू अपने डायरी में लिखते हैं कि हम लोगों का ये सस्पेशन सही हो गया कि लगता है कि जो शंकराचार्य जी कह रहे थे कि जो वर्तमान जो ऑफिस बियरर्स हैं इसको अपनी पॉकेट संस्था बनाकर रखना चाहते हैं, इसको एक रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाना चाहते हैं। तो खैर एनीवे, इस पर काफ़ी बहस हुआ, लेकिन अल्टीमेटली मालवीय जी ने, पंडित मालवीय ने इंटरवीन किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको स्पेशल सेशन ट्रीट किया जाए और अगला एक विधिवत बहुत बड़ा अधिवेशन हम लोग काशी में करेंगे, बनारस में, जो कि हुआ अभी 1923 में, जो कि आयोजित हुआ अभी। तो मालवीय जी के भाषण पर पुनः आते हैं। मालवीय जी ने कहा कि हिंदूज आर डीजेनरेट एज नेवर बिफोर, और मोपला कांड के विषय में उन्होंने बात कही, जो मोपला में जो घटनाएं हुई थी, साथ ही साथ जो मुल्तान में जो दंगे हुए थे, जो अजमेर में जो दंगे हुए थे जिसमें कि हिंदूज वेयर टारगेटेड, तो इन सब पे बड़ा क्षोभ प्रकट किया गया। और ये कहा गया कि अगर देश में हिंदू मुस्लिम शांति रहेगी, पीस होगा, तो उसका एक ही शर्त है कि बोथ कम्युनिटीज शुड रिमेन स्ट्रांग इनफ, जिससे कि कोई दूसरा अन्यायपूर्ण अटैक नहीं करे, हमला नहीं करे। तो हिंदुओं को संगठन की आवश्यकता है। फिर उन्होंने कहा कि हर ग्राम एक ऑल इंडिया राइट फंड बनना चाहिए, जिसमें कि जो राइट विक्टिम्स हैं, हिंदू राइट विक्टिम्स, उनकी सहायता की जाए, और हिंदू महासभा का जो ब्रांचेस है गांव के स्तर पर खुले, जैसा कि कांग्रेस के ब्रांचेस गांव-गांव के स्तर पर हैं। तो इस प्रकार से संगठन की बात की गई, स्वराज की भी बात की गई। तो यह अधिवेशन बड़ा ही अहम अधिवेशन है, यहीं से एक हिंदू महासभा को एक संगठनात्मक नींव मिलती है, एक अखिल भारतीय स्वरूप मिलता है। जगत नारायण लाल इसके बाद हिंदू महासभा के सबसे महत्वपूर्ण नेता हो गए बिहार में, और फिर इस दरमियान वो लाला लाजपत राय, पंडित मदन मोहन वालिया से और करीब आए। 1926 में हम लोग देखते हैं कि गुवाहाटी में लाला लाजपत राय के साथ एक महीने प्रवास पर भी रहे, जब गुवाहाटी में अधिवेशन हो रहा था मार्च में। और उसके विषय में भी थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि लाला जी ने जगत नारायण से कहा कि देखिए, यहाँ हिंदू महिलाओं का बड़ा एबडक्शन हो रहा है, बच्चों का एबडक्शन होता है, जो कि आताई और दूसरे कम्युनिटी के गुंडे करते रहते हैं, तो आप इसके लिए महात्मा जी को पत्र लिखिए। तो जगत लाल इज रिमेम्बरिंग इन हिज डायरी कि व्हेन ही रिटर्न्स बैक टू पटना, तो ही राइट्स अ लेटर टू द, वो महात्मा जी को पत्र लिखते हैं, वो लिखते हैं अपने संस्मरण में कि उन, और वो हिंदू महासभा के जो कार्यकर्ता हैं बंगाल में, उनको भी बताते हैं कि आप लोग भी बात करिए। तो और बाद में फिर महात्मा जी का पत्र आता है, उसका भी अपना डायरी में उल्लेख करते हैं कि महात्मा जी का एक हाथ से लिखा एक पुस्तकार्ड पत्र आया, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई जगत नारायण लाल, मैंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बंगाल में और असम में पता किया है, लेकिन वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, हिंदू महिलाओं का अपहरण नहीं हो रहा है। तो धन्यवाद पेशेंटली सुनने के लिए, और अगर आपको ये पसंद आता है मेरा चैनल, तो आप इसको सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।